नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति भले ही मुख्यमंत्री योगी व प्रधानमंत्री मोदी अपना रहे हों, लेकिन कुछ नेता इसी नीति से ठीक उलट कर काम कर रहे हैं। ये वही नेता हैं जो मंच से विपक्षियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते नहीं थकते, लेकिन स्वयं ऐसे ही कामों में व्यस्त हैं। शुक्रवार को ये बात चर्चा का विषय बन गई जब विधायक का एक ऑडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया। ऑडियो में विधायक किसी बिचौली से कुलदीप लेखपाल को लाइन में लेकर 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में जब विधायक से फोन पर बात कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। चर्चा में आए ऑडियो के बातचीत के अंश कुछ इस प्रकार हैं। लेखपाल को लाइन पर लेकर 2 लाख रुपए लेने की बात कर रहे विधायक, फोन उठते ही उधर से आवाज, जी विधायक जी, इधर से हाँ राजपूत। विधायक बोले, भीड़ में तो नहीं हूँ राजपूत, नहीं भीड़ में नहीं, घर पर अकेले हैं। जी विधायक जी, हेलो। हाँ राजपूत जी विधायक, भीड़ में तो नहीं हूँ। नहीं भीड़ में नहीं, घर पर अकेले हैं। अच्छा, हम कहते हैं कुलदीप लेखपाल का लाइन पर ले। हाँ लाइन पर है, कल सुबह बात हो जाए। हाँ कम से कम 2 ले लियो। 2 तो नहीं, 1 लेकिन तैयार है एकदम। चलो देखो कुछ जो हो सके तो कहा बढ़ा के। अरे तो यार 50 अपने खाते ले लो। चलो चलो, हम कल सुबह सुबह जाब उनके पास 8 बजे। हाँ वही की बात है, आपको फोन कर लिया। अगर यहाँ गांव में ही हो तो यहाँ मिल लिया भाई। हाँ और नहीं तो फिर उन्नाव मिले भाई, हंसने का निमरात है ना कुल्ली। हाँ कह दो, शासन कर दे, शासन करा दे। बात हम आज 3 है, आज बोलाई से वो कह दो, मांग दे रहे हैं जो लाओ पहुंचा दे, फिर बाद में यहाँ हो जाए एडजस्टमेंट। ठीक ठीक, हम कल आपको फोन करके इनके पास मिल के उसके बाद फोन कर लिया। आप गांव रही हो तो गांव मिल जाए भाई। वैसे गांव नहीं, उन्नाव में रहा काल। तो उन्नाव रही हो तो हसनगंज से उन्नाव चले इनके बाद। ठीक ठीक, लेकिन हमारा पहुँच जे करना हो चाहिए। अरे सवाल है नहीं, यही लिए तो आज हम आए नहीं। हम कह नहीं नवाबगंज ग्वाल जा रही हूँ, जाना ही ठीक नहीं। ठीक ठीक, हम कल आई थी मुलाकात। ठीक, नमस्ते। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।